हाई यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज खुशी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अडेप्टिन यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। मैं ऑलमोस्ट अगस्त से उसको यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो मेरी स्किन हेल्दी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है मेरी स्किन को, काफ़ी क्लियर हो चुकी है मेरी स्किन काफ़ी हद तक। बट कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो मैंने की थी जब मैंने अडेप्टिन स्टार्ट किया था, क्योंकि लिटरली मेरे गले पे कट्स आ गए थे, पूरा रेड हो गया था ये एरिया एंड मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हुए थे। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट मिस्टेक्स विच आई मेड वाइल यूजिंग अडेप्टिन। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप जाके अडेप्टिन परचेज करो, अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब किए तो वैसे तो आपको आपके यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट बता देंगे इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। बट मेरे साथ किया तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने वैसे उतना कुछ बताया नहीं था, उनने ये नहीं बताया था कितना साइज लेना है, उनने बस ये बताया था रात में यूज़ करना है। एंड इडियट तो मैं हूँ ही, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली थी, तो उसी के कुछ साइड इफेक्ट्स हुए थे जिनके बारे में बताऊंगी। सो इफ यर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। स्टार्टिंग द वीडियो, यू गाइस नो द ड्रिल, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना। आई पोस्ट एवरी मंडे एंड फ्राइडे ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, यू नो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाली है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मैं गई थी अगस्त में फर्स्ट टाइम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिनने मुझे अडेप्टिन प्रिस्क्राइब की थी। बट उन्होंने ये नहीं बताया था इसको कितना यूज करना है, उन्होंने बस कहा था कि इस जेल को यू नो रात में सोने से पहले लगाना है, उन्होंने ये नहीं बताया था कितना अमाउंट मुझे पूरे फेस के लिए यूज करना है। तो वही मैंने ज्यादा बड़ी गलती की, मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे ये लगता था जितना मैं ज्यादा यूज करूंगी उतनी जल्दी मेरी स्किन ठीक होती होगी, एंड इसीलिए मैं लिटरली काफी ज्यादा ले लेती थी, यू नो मैंने काफी ज्यादा ले लिया था। तो उसी से मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई, इतनी ज्यादा इरिटेटेड हो गई, लिटरली मेरा ये जो नोज का कॉर्नर एंड माउथ का कॉर्नर, इसका पूरा व्हाइट व्हाइट फ्लेकी फ्लेकी निकलने लग गया, इतनी ज़्यादा ले ली थी मैंने। एंड मैंने ये पढ़ा था कि स्किन केयर जो भी आप अपने फेस पे लगाते हो उसको नेक पे भी लगाना चाहिए, विच इज़ ट्रू। आप कोई भी अपना स्किन केयर लगा रहे हो, कोई मॉइस्चराइजर कुछ भी, तो उसको फेस पे भी लगाओ नेक पे भी लगाओ। एंड मैंने वो अडेप्टिन को नेक पे लगा लिया, लिटरली एज यू गाइस कैन सी इन दिस फोटोज, लिटरली ये जो दो लाइन्स है ये पूरी रेड हो गई थी, जलता था। मैं ऐसे नहीं कर पाती थी, मैं अपनी मुंडी फोल्ड नहीं कर पाती थी, वो लाइन्स कहीं भी टच होती थी, इतना ज़्यादा बर्न होता था वो। तो वही तो आइडिया नहीं था। एंड अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो आपको पी साइज जो मटर का दाना होता है बस उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड वैसे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपके यू नो आपको प्रिस्क्राइब कर ही देंगे, आपको बता ही देंगे कितना लेना है, बट मेरे वाले ने नहीं बताया था इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। सो आपको पी साइज अमाउंट ही लेना है एंड उससे ज़्यादा नहीं, पी साइज को पूरे फेस पे डॉट डॉट करके एंड जेंटली मसाज करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं अडेप्टिन को डायरेक्टली फेस वॉश के बाद लगा लेती थी, मतलब मैं फेस वॉश करती थी एंड मैं इसको लगा लेती थी, बट मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि अडेप्टिन को आपको ड्राई स्किन पे लगाना है, आपकी स्किन लिटरली कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अडेप्टिन हो गया, AHA, BHA, पीर हो गया, कोई भी केमिकल हो गया, तो उसको आपको एकदम कम्प्लीटली ड्राई यू नो फेस पे लगाना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ आई डोंट नो उसका कुछ रिएक्शन होता है जो भी। बट वही वो एक्चुअली मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से इतना पूछा नहीं था क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, मतलब दिमाग में आया नहीं उस टाइम जब मैं थी वहाँ पे, तो मैं पूछना भूल गया। मैंने लिटरली उसको यू नो गीली स्किन पे लगा लिया जो नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप भी अडेप्टिन यूज़ कर रहे हो तो उसको एकदम ड्राई फेस मुंह धो के 10-15 मिनट्स के बाद ही उसको लगा। जो मैंने की जिसने यू नो मुझे थोड़ा सा साइड इफेक्ट दिया वो था जब मैं अडेप्टिन डायरेक्टली अपने फेस पे लगा लेती थी। मेरा क्या था, मेरी ऑयली स्किन था इसलिए मुझे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप सीधा अडेप्टिन लगा रहे हो बस फेस वॉश के बाद यू नो ड्राई स्किन पे, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट एंड काफ़ी ज़्यादा और ड्राई कर देगा आपकी स्किन को, क्योंकि आपकी पहले से ड्राई है। मेरी तो ऑयली थी इसलिए मेरी स्किन को उतना ज़्यादा ड्राई नहीं किया उसने, बट तब भी। तो बेसिकली आपको करना क्या, अगर आप अडेप्टिन जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक पतला सा यू नो लाइट मॉइस्चराइजर लगाएं एंड फिर 10 मिनट्स वेट करें उस मॉइस्चराइजर को पूरा जाने को, एंड फिर उसके बाद आप उस अडेप्टिन को लगाएं। एंड मुझे लगता था कि उससे ना उसका थोड़ा जो भी अडेप्टिन जो डिफरेंस देगा स्किन में वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वही करना चाहिए अगर आपकी हद से ज़्यादा ड्राई स्किन है, क्योंकि मैं जिसकी हद से ज़्यादा ऑयली स्किन है अगर उसकी स्किन इतनी ड्राई हो सकती है अडेप्टिन से, एंड तो फिर आप समझ ही लीजिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका क्या ही होगा। एंड सबसे बड़ी गलती है, मतलब जो सबसे बड़ा मिथ है ये कि इफ़ यू आर समवन विद ऑयली स्किन यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। यू नीड अ मॉइस्चराइजर इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप अपनी मॉइस्चराइज नहीं करेंगे अपनी स्किन को तो आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा, जिससे आपके और ज़्यादा पोर्स क्लॉग होंगे एंड और ज़्यादा एक्ने होगा। तो वही, तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाती थी, मैं बस अडेप्टिन लगाकर सो जाती थी। एंड मुझे स्टार्टिंग में कुछ उतना पता नहीं चला, बट एक वीक बाद मुझे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई लगने लगी, फेस वॉश के बाद मेरी स्किन
सूख जाती तो पूरी खिंचने लगती थी, मतलब इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, ऑयली से इतनी ज़्यादा ड्राई। एंड उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट किया अडाप्टिन से पहले भी एंड अडाप्टिन के बाद भी, एंड अब भी, अब मैं एकदम एक्वासॉफ्ट लगाती हूँ फेस वॉश के बाद गीली स्किन पर, मैं लिटरली 15-20 मिनट्स वेट करती हूँ पूरा सूखने का, फिर मैं अडाप्टिन लगाती हूँ। एंड अडाप्टिन के भी 15 मिनट्स बाद मैं वापस एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन अब नॉर्मल हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी गलती इन सब में इंक्लूड कर, सबसे बड़ी गलती थी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना। मुझे कुछ आइडिया नहीं था सनस्क्रीन का, एंड मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी। मैं अडाप्टिन लगा के सुबह सुबह नीचे चली जाती थी, एंड मुझे मेरा फेस यू नो बर्न होता हुआ लगता था, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, एंड मुझे तब उतना आइडिया नहीं था सनस्क्रीन के बारे में, इसलिए मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी फर्स्ट मंथ में। फिर जब मैं सेकेंड टाइम गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो तब उन्होंने बोला कि सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए, नहीं तो जो अडाप्टिन है आपकी स्किन को डार्क कर देगा, स्पॉट्स को डार्क कर देगा। एंड इसीलिए कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो यू नो कहीं ना कहीं डार्क हैं थोड़े बहुत, तो वही वो उन्हीं का रिजल्ट है कि मैंने सनस्क्रीन नहीं पहनी। तो अगर आप कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि अडाप्टिन लगा रहे हो तभी सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन तो वैसे ही लगाना चाहिए। अगर आप अडाप्टिन नहीं लगा रहे, आप बेसिक क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग वाला अगर आप रूटीन कर रहे हो तब भी एक सनस्क्रीन लगाओ। बेसिकली यही सब चीज़ें थी। एंड इफ़ यू आर समवन विद अडाप्टिन, आप चाहे तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि उनकी बात सुनो मेरी सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यू नो मेरे साथ क्या क्या हुआ स्टार्टिंग में, एंड मे बी वो आपके साथ ना हो एंड कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो कुछ भी यू नो नेगेटिव थॉट्स नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब कर देना, उतना टाइम नहीं लगता। थैंक यू।